तो दोस्तों एक्शन थ्रिलर विक्रम वेदा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में अभिनेता ऋतिक रोशन और सैफ अली खान लीड किरदार में हैं। विक्रम वेदा के मच अवेटेड ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये फिल्म आर माधवन और विजय सेतुपति स्टारर तमिल हिंदी फिल्म की रीमेक है। फिल्म में दो बड़े बॉलीवुड स्टार्स के होने की वजह से फैंस के दिलों में उम्मीद जागी है। फिल्म का 2 मिनट 50 सेकंड लंबा ट्रेलर पुलिस ऑफिसर विक्रम और गैंगस्टर वेदा के ऊपर आधारित है। विक्रम वेदा पुष्कर गायत्री की तरफ से लिखी गई और डायरेक्ट की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। विक्रम वेदा की कहानी ट्विस्ट और टर्न्स से भरी पड़ी है, क्योंकि सख्त पुलिस वाला विक्रम एक खूंखार गैंगस्टर वेदा की कहानी है। इस फिल्म की कहानी विक्रम और बेताल की कहानी से प्रेरित है। हाल ही में विक्रम वेदा फिल्म की डायरेक्टर गायत्री ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में फिल्म में ऋतिक रोशन के रोल और उनकी कास्टिंग को लेकर कई सारे खुलासे किए। उन्होंने बताया, साल 2017 में तमिल फिल्म विक्रम वेदा के रिलीज होने के बाद ऋतिक उन्हें कॉल करने वाले पहले एक्टर थे। वो विक्रम वेदा की गहराई और उसके सोल को समझ गए थे। गायत्री ने आगे बताया कि ऋतिक रोशन टैलेंटेड एक्टर है और उनके साथ काम करना बहुत ही मजेदार रहा है। डायरेक्टर ने बताया कि ऋतिक काफी डाउन टू अर्थ इंसान है। फिल्म की पूरी टीम ने काफी मेहनत की है, अब बस फिल्म को सफल बनाने की कोशिश जारी है। बता दें, फिल्म में ऋतिक रोशन का फर्स्ट लुक कुछ दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया था। इस फोटो में एक्टर धमाकेदार लुक में नजर आ रहे थे। ऋतिक के फैंस को उनका ये रफ लुक काफी पसंद आया है, वो जमकर फोटो पर कमेंट भी कर रहे हैं। विक्रम वेदा को गुलशन कुमार टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाया है और विक्रम वेदा 30 सितंबर 2022 को बड़े पर्दे पर दिखने वाली है। और देखना दिलचस्प होगा कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बनेंगे और कई सारे रिकॉर्ड टूटेंगे भी। बाकी दोस्तों, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब